5,000 रुपया देकर वहाँ फ्रेंचाइजी पर कप मिल मिल जाएगा इसका। जाएगा। हर युवा जो है डाकघर से जुड़ करके है ना फ्रेंचाइजीज के माध्यम से पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेकर आप लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी है कि भारतीय डाक यानी पोस्ट ऑफिस की तरफ से लोग रोजगार करने के लिए पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी और CSP, जिसे कई लोग CSP के नाम से भी कहते हैं तो कई लोग फ्रेंचाइजी के नाम से भी जानते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेकर आप कितने रुपए महीने कमा सकते हैं, यह परमंडलीय डाकघर के जो डाक अधीक्षक हैं उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि अगर कोई भी बेरोज़गार लोग पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेकर वो मोटी कमाई करना चाहता है तो उसे पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेने के लिए क्या करना होगा, किन कागज़ों की ज़रूरत होगी और कितने रुपए शुल्क देना होगा, साथ ही साथ कितने दिनों में उसे पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, इन सब बातों पर हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम सुनवाते हैं पूर्णिया प्रमंडलीय डाक अधीक्षक क्या कहते हैं। पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेकर वो मोटी कमाई करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेने के लिए लोगों को क्या करना होगा और कितने रुपए चार्ज देने होंगे, सारी बात सर बताएं। देखिए हमारे डाकघर के द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है फ्रेंचाइजी आउटलुक लेकर के है ना अपना अच्छा कमाई कर सकता है। कोई भी नागरिक को इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जा करके है ना उसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके अच्छी तरह से भर करके है ना मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट के साथ पैन आधार के साथ हमारे कार्यालय में आकर के जमा करें है ना, और साथ ही साथ मतलब सिक्योरिटी मनी के रूप में उनसे 5,000 रुपये NSE के मतलब रूप में हम लिया जाता है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में प्लेज होता है ना, वो आकर के हमारे कार्यालय में जमा करेंगे और वो कुछ फॉर्मेलिटीज के द्वारा जो है ना हम लोग देखेंगे कि हाँ जो उनके द्वारा आवेदन दिया गया है क्या जिस लोकेशन में वो फ्रेंचाइजी आउटलेट लेना चाहते हैं वहाँ नियर अबाउट 2 किलोमीटर के दायरे में कोई डाकघर है या नहीं, अगर नहीं है तो सारी प्रक्रिया को देखते हुए हम लोग उनको फ्रेंचाइजी आउटलुक परमिशन दे देते हैं। कितने दिनों तक में सर मिल जाता है? लगभग लगभग 1 महीने के अंदर हम लोग इशू कर देते हैं सारी जांच पड़ताल होने के बाद। मिनिमम मैट्रिक पास होना चाहिए? हाँ मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। और 5,000 रुपये सिक्योरिटी लिया जाता है सर, इसके लिए कोई और तरह का वो क्या क्या सेवाएँ कर सकता है? वो सिर्फ स्पीड पोस्ट जैसे कि रजिस्ट्री पत्र बुकिंग करना, स्पीड पोस्ट पत्र बुकिंग करना, डाक टिकट बेचना और कुछ अगर बल्क कस्टमर के रूप में भी ग्राहक उनसे जुड़ना चाहते हैं तो वो भी काम कर सकते हैं। इसके एवज में जो है कि उनको हर स्कीम पे अलग अलग इंसेंटिव के रूप में उनको कमीशन मिलता है जिससे मोटी कमाई हो सकती है। हाँ मोटी कमाई सकती है। तो इसके लिए वो उनको संपर्क कहाँ करना होगा? यहाँ पर आकर हमारे कार्यालय में डाक अधीक्षक कार्यालय में आकर के संपर्क करना होगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम रमेश कुमार भारती, डाक अधीक्षक पूर्णिया प्रमंडल। डाक अधीक्षक थे और इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर बेरोजगार हैं और आप पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेकर मोटी कमाई करना चाहते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। फ्रेंचाइजी के लिए PDF फॉर्म को भरकर आप हार्ड कॉपी के साथ और जो आवश्यक कागजात हैं उनके साथ, शैक्षणिक योग्यता के कागजात के साथ, इन सब सारी दस्तावेजों के साथ आप पूर्णिया के प्रमंडलीय डाकघर पहुँच कर आप पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं जिसके लिए 5,000 रुपये का मात्र शुल्क देना होगा आपको और सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी और ये तकरीबन 1 महीने तक में आपको पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी मिल सकती है। News 18 डिजिटल पूर्णिया के लिए विक्रम झा।